तारीकी। जिस तरह तारीकी के बाद उजाला होता है और रात के बाद सवेरा होता है, इसी तरह खुदावन का जिंदा कलाम हमारी ज़िंदगी के लिए रोशनी की मायत है। वेलकम टू आवर न्यू शो फाइंड आउट द ट्रुथ फ्रॉम द होली बाइबल, और मैं हूं आपकी होस्ट सैंडीना एलेक्स। आज का हमारा मौजू है कॉन्सेप्ट ऑफ 21st December 2012। हर तरफ लोग इसी बात की गुफ्तगू करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्या वाकई 21 दिसंबर 2012 दुनिया का इख्तिताम है? इस दिन आखिर ऐसा क्या होने वाला है? क्या वाकई दुनिया ख़त्म हो जाएगी या फिर मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाएगी? क्या वाकई इस दुनिया की कहानी अपने इख्तिताम पर है? कुदरत ने कायनात का निज़ाम ही कुछ इस तरह से बनाया है कि एक ना एक दिन हर चीज़ को फना हो जाना है। 21 दिसंबर 2012 के हवाले से हमें ये बात मालूम होती है कि मायन कैलेंडर के मुताबिक ये ज़मीन के 13वें दौर का आखिरी दिन है। मायन तहजीब का इंकशाफ 609 कबल मसीह से मिलता है। ये कौम उस दौर में इल्म का समंदर समझी जाती थी। उन्होंने सितारों को देखते हुए ऐसा कैलेंडर बनाया कि जिसकी आखिरी हद 21 दिसंबर 2012 पर आकर ख़त्म हो जाती है। अब तक मायन तहजीब का ये कैलेंडर एकदम एक्यूरेट साबित हुआ है। हम आज तक दो ही कैलेंडर्स के बारे में सुनते आए हैं, एक इस्लामिक कैलेंडर और दूसरा क्रिश्चियन कैलेंडर जिसे पोप ग्रेगरी 8 ने बनाया। आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में इंसान बगैर कैलकुलेटर और कंप्यूटर के ये नहीं बता सकता कि आने वाले 10 साल में कौन सा दिन किस तारीख को होगा, मगर आज से 4000 साल पहले मायन लोगों ने 21 दिसंबर 2012 की प्रिडिक्शन की। कहा यह जाता है कि जब ज़मीन एक दौर से निकलकर दूसरे दौर में जाती है तो बहुत सी तबाहियाँ अमल में आती हैं। इसके मैग्नेटिक पोल्स रिवर्स हो जाते हैं जो बड़ी तबाही का बाइस बनते हैं, जैसा कि फिल्म 2012 में दिखाया गया है। हम जो एक खुदा को मानने वाले हैं इस बात पर यकीन रखते हैं कि आखिर एक ना एक दिन तो ऐसा होना ही है, तो ये बात कोई मायने नहीं रखती कि वो 21 दिसंबर हो, आज हो या कल हो, आखिर ऐसा तो होना ही है। मगर हमारी मसवी तालीम भी हमें कुछ सिखाती है, हमें इसके मुताबिक चलना है। हमें अपने पाक कलाम के मुताबिक अपने आप को इस दिन के लिए तैयार करना है और इस दिन का इंतज़ार करना है। जाते जाते मैं आपको ये बताती चलूँ कि हमारा ये शो किसी भी शख्स की पॉपुलैरिटी के लिए नहीं है, बल्कि हमारा मकसद पाक कलाम के ज़रिए आपको हकीकत से आगाह करना है। नेक्स्ट वीक तक के लिए खुदा हाफिज़, गुड बाय।